नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अशोक लेलैंड 412 का टाइमिंग कैसा सेट करते हैं। दोस्तों, हमने इस इंजन का 4 पार्ट बनाया है और ऑलरेडी हमने 1 पार्ट अपलोड कर दिया है और हम अभी 2nd पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हम पंप टाइमिंग और टाइपिट सेटिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबाकर, और सब्सक्राइब कर लिया हो दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं, क्रैंक पुली का चाबी है, एकदम टॉप में है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रैंक को घुमाकर जो पुली का चाबी होता है उसे टॉप में ले आए, एक्यूरेट टॉप में। इसके बाद कैमशाफ्ट का जो गियर है वो देख सकते हैं आप, टाइमिंग प्लेट के ऊपर मार्क दिया है एरो का, और गियर के ऊपर ये मार्क दिया है। इसका सेंटर एकदम लेवल होना चाहिए। तो हम टाइपिट गेज से इसको सेंटर देख लेते हैं कि क्रैंक का गियर जो है सेंटर आ रहा है या नहीं आ रहा है एरो से। हल्का सा आउट है तो थोड़ा घुमाकर स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने देखा कि क्रैंक का जो पुली वाला जो चाबी है वो एकदम टॉप में आना चाहिए। दूसरा, टाइमिंग प्लेट का जो एरो है उससे, उस एरो से कैम शाफ्ट का जो गियर है उसका एरो मैच करना है, अपोजिट में करना है। उसके बाद पंप का जो गियर होता है हम उसका थोड़ा बाद में बताएंगे। अब उसके बाद हम आइडल गियर लगा देते हैं। तो आइडल गियर लगाने के लिए उसका बूस्ट वाइसर अगर उसमें फिट कर दीजिए, उसके बाद में आइडल गियर फंसा दें। आइडल गियर दोस्तों जब भी आप फिटिंग करें तो एकदम इजीली जाना चाहिए, एकदम फ्री जाना चाहिए, और आइडल गियर का जो बोल्ट है उसको टाइट करने के बाद उसमें प्ले होना ज़रूरी है। तो एक बार हम और फिर से देख लेते हैं कि कहीं रॉन्ग तो नहीं है। नहीं, एकदम एक्यूरेट है। तो चलिए हम इसे बिठा देते हैं। दोस्तों, हम इसमें और एक तरीका बता देते हैं आपको। जो क्रैंक का गियर है और गियर से जो आइडल गियर अटैच हुआ है उसके सेंटर से आप आइडल गियर को कैमशाफ्ट के तीत का जो सेंटर तक के अगर हम उसको गिनती करते हैं तो उसमें 10 तीत आता है। देख सकते हैं 10। अब इसके बाद हम कैम गियर को टाइमिंग प्लेट के एरो तक अगर गिनते हैं तो उसमें 12 तीत आते हैं, यहाँ तक आइडल गियर के सेंटर तक 10 और 12। ध्यान रखें दोस्तों, देखिए ये आइडल गियर में प्ले है, हमारा टाइमिंग एकदम एक्यूरेट है। अगर आइडल गियर में दोस्तों प्ले नहीं होगा तो दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे 136 वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो मैकेनिकल से रिलेटेड है, शायद आपके काम की हो। दोस्तों, एक बार और हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और यहाँ से लेके यहाँ तक 12। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए आइडल गियर का सेंटर आ चुका है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये है दोस्तों एक्यूरेट टाइमिंग। दोस्तों,
शायद आपको पता ही होगा कि कौन सा गियर को किस क्या बोलते हैं। सबसे नीचे वाला हो गया क्रैंक गियर, और लेफ्ट का हो गया कैम गियर, और राइट साइड का हो गया पंप गियर, और सबसे सेंटर में जो गियर लगा है उसे कहते हैं आइडल गियर। तो चलिए दोस्तों, पंप को देख लेते हैं। हम पंप किस हिसाब से रखा है, आप देख सकते हैं हमने एक तीत एडवांस के हिसाब से इस पंप को सेट करके फिटिंग किया है। पंप का कैप खोलकर अगर देखेंगे तो प्लंजर हल्का सा टॉप से ऊपर होगा, फर्स्ट प्लंजर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।